केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी राम बिलास के प्रमुख चिराग पासवान को अपने पिता दिवंगत राम बिलास पासवान का पटना वाला पार्टी दफ्तर वापस मिल गया है। राम बिलास के निधन के बाद चिराग के चाचा पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने लोजपा तोड़कर इस दफ्तर पर कब्जा कर लिया था। यहां पर पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का ऑफिस चल रहा था। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने अब इसे चिराग पासवान की लोजपा रामविलास को आवंटित कर दिया है। दो दिन पहले चिराग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी की थी। आपको बता दें कि चिराग पासवान के भवन निर्माण विभाग की ओर से पूर्व में लोजपा को दिए गए इस परिसर का आवंटन पहले ही रद्द किया जा चुका है। यह परिसर पटना एयरपोर्ट के पास शहीद पीर अली खान मार्ग पर स्थित आवास संख्या 1 विलर रोड पर स्थित है। सोमवार को भवन निर्माण विभाग के उप सचिव ने चिराग पासवान की पार्टी को यह परिसर आवंटित करने के संबंध में कार्यालय आदेश जारी कर दिया। आदेश के अनुसार 4 जुलाई 2024 को लोजपा रामविलास की ओर से पार्टी कार्यालय के आवासीय परिसर के उपयोग के लिए अनुरोध किया गया था। केंद्रीय पुल के इस परिसर को सशस्त्र अस्थायी रूप से आवंटित किया गया है। बिना अनुमति के परिसर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। वहीं राजनीतिक पार्टियों की ओर से कार्यालय के लिए आवासीय भवन का मानक किराया से 10 गुना किराया भुगतान करना होगा। लोजपा के संस्थापक दिवंगत राम बिलास पासवान के निधन के बाद 2021 में उनकी पार्टी में टूट हो गई थी। राम बिलास के भाई पशुपति पारस ने 4 अन्य सांसदों को अपने साथ लेकर चिराग पासवान को अलग अलग कर दिया था और इसके बाद रालोजपा और लोजपा रामविलास के रूप में दो दल बने। पहले की कमान चाचा पारस और दूसरे की कमान भतीजे चिराग ने संभाली। टूट के बाद पशुपति पारस ने लोजपा के पटना स्थित पुराने दफ्तर पर कब्जा तक जमा लिया था। वहीं चिराग पासवान के गुट को पटना में दूसरी जगह अपना नया ऑफिस खोलना पड़ा। पिछले महीने नीतीश सरकार ने पशुपति पारस की रालोजपा को जो है नोटिस जारी कर पटना वाला यह दफ्तर खाली